वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू छोटे को ढेर सारा प्यार बड़ों को परिपौना जी गाइस टाइम हो रहा है एक और एक बजे आपसे मिलना होगा। नाश्ता पानी हो गया, काम शुरू हो गया। नाश्ता करते करते आराम ने लगा दिया बिग बॉस 2013 का एपिसोड, तो मज़ा आ गया फाइट देख कर। तो बड़े मतलब अच्छा अच्छा सा पुरानी मेमोरीज रिकॉल हो गई। आजकल का बिग बॉस हो, इस बार का तो जो OTT आया था बिल्कुल ही बेकार था, एक सिंगल एपिसोड नहीं देखा मैंने। चलो ये तो मेरा ओपिनियन था। और अभी हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है। अब आज ब्लॉग मैंने टाइम से स्टार्ट किया है तो 8-9 मिनट का तो मैं बना ही लूँगी। और आज मेरे हस्बैंड बोल कर गए हैं करेले खाने हैं मुझे, करेले। इनको ना तोरी, टिंडे, घिया, करेले ये चीज़ें पसंद आती हैं इंस्टेड ऑफ चिकन और नॉन वेज। तो करेले बनाने के लिए वो फ्राई फ्रूई का चक्कर तो मैंने नहीं करना, मना कर गए थे कि फ्राई का चक्कर मत करना, आरव ने कहा था फिर फ्राई वाले। तो करेले मैं बनाऊंगी नमक वाले पानी में, उनको पहले भिगा के रखूंगी ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाएं, और उसके बाद बिना फ्राई किए उनको बनाऊंगी ताकि आरव खा सकें। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आप जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वॉश करते हैं उसे नमक के पानी में धोया कीजिए, नॉर्मल पानी से उनका जो पोल्यूशन का और जो धूल मिट्टी का असर होता है वो नहीं निकलता। नमक के पानी में अगर आप उनको वॉश करते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो चलिए आज की गाइडलाइंस के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का संडे व्लॉग। सफाई कर ली और सफाई करने के बाद मुझे अब याद आया कि बाहर वाले रूम में जो फ़ैन है वो बहुत गंदा हो रहा है और उसको साफ़ करना है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक बार को मैं सोच रही हूँ कि मैं कल साफ़ कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार कर ही लेती हूँ। तो अब आइडिया क्या लगा रही हूँ, कपड़ा करते हैं गीला, कपड़ा गीला करके पंखड़ियाँ पूंछ देते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, जब मैंने पीछे अंदर वाले कमरे का पंखा साफ़ किया था ना, कपड़ा गीला करके पूंछा था, उसकी पंखड़ियाँ टेढ़ी हो गई थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि पंखड़ियाँ कैसी टेढ़ी हो रही हैं, तो मैंने ना कुछ बोला नहीं, मैं हंस पड़ी। तो कह रही है तेरे ही काम है, तूने ही किया। तो मैंने कहा ऑब्वियसली मैं साफ़ कर रही हूँ तो मैंने ही किया है, तो मैं इसका ध्यान रखूँगी कि इसकी पंखड़ियाँ टेढ़ी ना हो। तो बहुत अच्छे से कुर्सी पे रख के खड़े होते हैं और कपड़ा गीला करके जो करते हैं साफ, ताकि कचरा नीचे ना गिरे। क्या कर रही हूँ मम्मी? गाइस ये देखिए मैं चढ़ गई ऊपर और कपड़ा मैंने ना गीला कर लिया, पंखड़ियाँ इसकी साफ। इतनी तो हाइट हाइट छोटी बढ़ गई यार, ऐसे ना नीचे नहीं गिरेगा। तो चल पंखा साफ करो, बंद कर ब्लॉग, बंद कर, बोला चल चालू करना। तो आप बंद कर देना बस, अब करने दे, मैं कूद कूद के करूँगी, बंद कर। गाइस ये देखिए ये गंद निकला है सारा पंखे के ऊपर से, कपड़ा गीला कर लिया था इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई, नीचे भी सारा साफ है तो कुछ भी धूल मिट्टी नहीं गिरी। अब बारी है AC के फिल्टर साफ करने की, क्योंकि मुझे फिर से लग रहा है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा। गाइस ये देखिए जो AC के फिल्टर निकाले हैं पूरे ब्लॉक धोए पड़े हैं डस्ट से, आप देख रहे हैं कितना गंदा, मतलब हवा आएगी कैसे ना। तो मुझे पहले ही पता चल जाता है कि भैया कूलिंग नहीं हो रही है, डस्ट आ गई है इसमें, ये देखो सारी जाली तो ब्लॉक हुई पड़ी है। तो इसको मैं क्लीन करके AC में लगाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। गाइस ये देखिए धोने के बाद जालियाँ बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, अब डस्ट नहीं है तो कूलिंग भी अच्छी करेगा। और ये ब्रूनो देख रहा है कि मम्मी अब कर क्या रही है, कभी पंखे पे चढ़ रही है, पंखा साफ करने के लिए चढ़ रही है, कभी AC साफ करने के लिए कहीं चढ़ रही है। तेरे को बताऊँ मैं अभी, आइयो जरा आइयो आइयो आइयो, ये देखो ये चढ़ गया ऊपर, आऊँ मैं देखो हाथ पकड़ रहा है कि मत कर, मैं तो करूँगी, खाना नहीं खाता ना। हाँ गाइस फाइनली पंखे साफ हो गए, AC साफ हो गया, अभी आरव को मैंने 1.5 घंटा लगा के पूरा हिंदी का सिलेबस, ग्रामर, चैप्टर, रहीम के दोहे सारे करा दिए, ए भगवान मेरा सारा सही सुना दिए। तो इसका टेस्ट हो गया, अभी करेगा साइंस, चैप्टर मैंने समझा दिए, इसको लर्निंग दे दी, वर्कशीट दे दिया, अभी अपने काम में अपनी दिहाड़ी पे लग जाएगा बेचारा मजदूर। और अब मैं लग रही हूँ रसोई में, फिर करूँगी बच्चों की कॉपियाँ चेक, रसोई में राजमा तो रात को बनाऊंगी, बट अभी अरविक डाइजन मुझे भी प्लीज़, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, पता मैं क्या खा रही हूँ वेट। तो गाइस ये जो डाइजन की टैबलेट होती है ना चूसने वाली, इसमें ना वो चौक वाला फ्लेवर आता है, मतलब स्लेटी होती है ना वो वाला, एंड आई लव इट, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं ये एक दो खा ही लेती हूँ, ये बोली पीछे से देखो बांदरी जी। तो मैं करेले साफ़ करती हूँ नमक के पानी में, छील के जितना टाइम मिलता उतना बनाती हूँ, क्योंकि नहाना धोना भी है। सुबह से देखो ये हालत हो गई है, 3:30 बज गए, ना खाना ना नहाना कुछ नहीं, बस यही काम में टाइम पता चलता ही नहीं है। और अच्छा है, बिजी रहो, शांति रहती है। चलिए करेले साफ करते हैं। ये देखिए करेले मैंने पूरे अच्छे से धोकर नमक वाले पानी में भिगा दिए हैं, तो अब जब तक ये बनेंगे नहीं तब तक नमक के पानी में भिगा रहने दूंगी इनको, तो इनकी कड़वाहट भी निकल जाएगी। और अभी तो टाइम मिलना मुश्किल है, 4 बज गए, मैं खाना खा के नहाने भाग रही हूँ आरव को पढ़ाने के बाद, तो शाम को ही बन पाएंगे। तो अभी इनको हम अच्छे से ढक के रख देते हैं। वेट, ये गई प्लेट, ढक के रख दिया। और ये मेरा खाना, मैंने जिस बोल में चावल गर्म किए थे उसी बोल में डाल लिए हैं, तो बस अब ये खाती हूँ और फिर जाती हूँ नहाने।
गाइस फाइनली हमारी बच्चा पार्टी पढ़ के गई और बच्चे गए हैं 8:30 बजे, बहुत लेट हो गया। और अभी कल शुगर है, मंडे है, फाइनली आराम, चिलैक्स, रिलैक्स, कूल डाउन सारा दिन रहेंगे आराम से। और पता नहीं मैं सारा दिन मेकअप करूँ भी या ना करूँ, तो आप लोगों को बिना मेकअप के ही मुझे झेलना पड़ेगा, राइट। और बच्चे पढ़ कर गए हैं ना, तो ये देखिए, ये पता नहीं क्या बनाई है, आई डोंट नो, बट ये नमकीन वाला दलिया बनाया है मैंने जल्दी जल्दी में, तो बस ये खाने लगी हूँ। और फिर बनाते हैं करेले, लेकिन बिना फ्राई किए, और एक तरफ रखते हैं राजमा उबलने के लिए, और बनाते हैं खाना गर्मा गर्म टेस्टी 2 मिनट में। गाइस ये देखिए, आरव ने अपनी टी शर्ट ब्रूनो को पहना दिया। आरव देखिए जरा, हाथ देख के सारे बाल लग जाएंगे तेरे टी शर्ट पे, क्यूट लग रहा है। देखो जरा, स्पाइडरमैन वाला ब्रूनो बना दिया। ए ब्रूनी, वो कोने में घुस के बैठ गया, देखो, देख रहे हो आप ब्रूनी? अरे बुबू, बुबू उतार इसको, बाल चिपक जाएंगे सारे। नॉक ब्रूनो घर पे है। गाइस ये देखिए, यहाँ करेले बनाने के लिए आज सीधा मसाला रेडी हो रहा है। करेले फ्राई किए ही नहीं है ताकि आरव भी खा सके। और इधर मैंने करेले छिलके वगैरह उतार के काट दिए। आज ये मैं बिना फ्राई के आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने कभी नहीं बनाए क्योंकि मैंने कभी ऐसे बिना फ्राई के खाए नहीं है। तो मसाला रेडी हो गया, अब ये करेले जो छिले हुए हैं इनको मैं मसाले में डाल के 5-10 मिनट तो पकाऊंगी, वरना आई थिंक करेले गलेंगे ही नहीं। गाइस अब इसको पकाना पड़ेगा अच्छे से, तो अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ कढ़ाई में, और ये धीरे धीरे पकता रहेगा और फिर देखेंगे कि खाने लायक होता है या नहीं। गाइस फाइनली आज बिना फ्राई किए करेले बन गए, और मैंने आपको बताया कि बिना फ्राई किए मैंने आज फर्स्ट टाइम बनाए हैं। आई डोंट नो अब कैसे बने होंगे, क्योंकि जो मैं फ्राई करके बनाती हूँ वो तो बहुत यम्मी डिलीशियस बनते हैं, बट इनका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो अब जो बने होंगे इनको खाने पड़ेंगे। एक तरफ करेले बनाए हैं, एक तरफ राजमा बनाए हैं, तीसरी तरफ दही में रायता डाला है। तो ये है हमारा आज का सिंपल डिनर। ये देखिए गाइस, ये देखिए करेलों की शक्ल तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, मसालेदार। अब वो ये लोग खा के बताएंगे ऑब्वियसली। करेले का मसाले वाले आलू आलू लग रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, मैंने बिना फ्राई किए बनाया फर्स्ट टाइम, खाओगे तो पता चलेगा। ये है राजमा द ग्रेट, ये है दही में रायता। तो चलिए बनाते हैं रोटी और करते हैं ब्लॉग को एंड। तो गाइज अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग को एंड। सुबह आरव का है स्कूल, पीछे तोले टंगे रहते हैं, इनको टंगे रह रहे दो, और मूवी चल रही है, लोग मेरे हस्बैंड भी आ गए बीच में, प्याज काट रहे थे। तो चलिए अब गाइज करते हैं ब्लॉग पॉइंट, मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। तो बस इसी तरह से हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।